नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लगातार रिपीटेड वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपकी सुविधा, आपकी सहूलियत और आपके बिजनेस का जो इन्फॉर्मेशन है, आप घर पर बैठे हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले पाएँ। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो इन चीज़ों का फ़ायदा अपने बिजनेस में या इम्प्लीमेंटेशन अपने बिजनेस में कर पाएँ, ताकि आपको ये 20-25 दिन का जो नुकसान हुआ है या आर्थिक तौर पर जो लॉस हुआ है उसका भरपाई हो पाए। और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने वीडियोस के थ्रू आपको इम्प्लीमेंटेशन का आइडियाज़ भी बताएं। और आपको अगर डायरेक्ट देखिए, ये 20 मिनट 10 मिनट 5 मिनट के वीडियो में तो सारा इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता, हर एक पॉइंट पर डिस्कशन हो नहीं सकता। तो अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी, बड़ा हो छोटा हो, अगर हमारा प्रोफेशनल इम्प्लीमेंटेशन का काम लेना चाहे या हमें देना चाहे तो हम उसका काम कर सकते हैं। और ये गारंटेड हम देते हैं कि 10 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको लॉस नहीं होगा। वो कंपनी ठीक 1 महीने लगे 2 महीने लगे 3 महीने लगे इन टाइमों में अपने आप को खड़ा कर लेगी, ताकि आगे आने वाले ऐसा और भी परिस्थितियाँ आएंगी, इससे भी खतरनाक हो सकती हैं या अच्छी हो सकती हैं, तो वो टिक पाए, अपने आप को खड़ा रख पाए। तो आज के सिनेरियो पे हम बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी खबर है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और हमारे इंडिया के लिए भी, जिसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन इस पे लिया हुआ है। कि जैसे आपने देखा कि चाइना ने जो ये कोरोना वायरस फैला और पूरे वर्ल्ड में गया, तो इससे बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अमेरिका WHO पे इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि हो सके ये पहले से चीज़ें जानते थे ये लोग, और इन्होंने विश्व के साथ, सबके साथ, वर्ल्ड में ये चीज़ें इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, जिसकी वजह से इसका और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। और आज 35,000-40,000 लोग अमेरिका में मारे गए, पूरे वर्ल्ड में 8 लाख लोग इस पर इम्पैक्ट हुआ है काफ़ी। इंडिया में ही तो 125 करोड़ लोग हैं जिनकी रोजी रोटी पे आज सवाल है, और कैसे काम करेंगे और कैसे रहेंगे, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कैसे मेक ओवर करेंगे, ऐसा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने, कंपनियों ने मिलके एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि चाइना में जो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था उन सबको वो चाइना से बंद करके किसी और कंट्री में शिफ्ट करने की बातें सोच रहे हैं, और उन्होंने चालू भी कर दिया है। और आपने देखा है कि जैसे पिछले जापान के गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जो पैकेज था वो दिया अपने जापानीज कंपनीज को, जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, कि आप या तो जापान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाइए या चाइना को छोड़ के वर्ल्ड के किसी और पार्ट में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाइए। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन लोगों को सपोर्ट भी कर रही है, ताकि चाइना को एक इकोनॉमिक सबक सिखाया जाए और वो दोबारा इस पोजीशन में ना आए कि वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर पाए और इस तरह की परिस्थितियाँ दोबारा उत्पन्न हो। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उसको एक सेटअप किया है, एक प्रोग्राम तैयार किया है कि हमारे यहाँ की जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं या फैसिलिटीज़ हैं दी जाती हैं उसको लुकआउट करने के लिए और पॉलिसी बनाने के लिए, ताकि जो भी चाइना के पास, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा मैन पावर है, लेबर है, जगह है, वाटर है, रिसोर्स है, ताकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर के सामने आ पाए। और गवर्नमेंट ने इसमें, इस पॉलिसी में इसको फिक्स किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे SPG पार्क था, इंडस्ट्रियल पार्क था, ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन होगा और एक ये सेटअप होगा जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो वर्ल्ड क्लास की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं वो आएँ, वहाँ अपना प्लांट लगाएँ, ताकि इंडिया में भी डेवलपमेंट, ग्रोथ ये सारी चीज़ें हो पाएँ। तो इसका कुछ टर्म्स कंडीशन भी है, जैसे गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि जो भी पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं और स्टेट गवर्नमेंट है वो 50 एकड़ to 500 एकर्स का जगह अपने स्टेट में देखें और उस प्लेस को आइडेंटिफाई करें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करें, प्रोवाइड करें, ताकि ये फॉरेन की कंपनियाँ यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू आएँ, अपना सेटअप डालें और अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना पाएँ। उड़ीसा ने पहले ही इस चीज़ को एप्लीकेशन कर दिया है और मतलब वहाँ पे दे दिया है कि वो उसके लिए राजी हैं। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सके इसको चालू करे, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी जरूर चालू करेगी ही करेगी कि ऐसी जगहों का खोज करके जो नज़दीक हो एयरपोर्ट के या समुद्र के, 500 एकड़ या 50 एकड़, ताकि ऐसा एक पार्क तैयार किया जा सके। जो चाइना से उठ के कंपनियाँ आना चाहती हैं, हमारे पास सस्ता मैन पावर है, हमारे पास सस्ता रॉ मटेरियल है, जिससे उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा एज ए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एज ए जॉब जनरेशन में, और थोड़ा जो इनकम है वो लोगों का वो भी बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है और आपका स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, और इससे पब्लिक को भी फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर किसी के पास मान लीजिए इतना लैंड है या वो करके रखा है, तो गवर्नमेंट के पास भी अपना प्रपोजल भेज सकता है,
कि उसके पास इतनी जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो सकती है। तो जो भी रियल इस्टेट की कंपनियाँ हैं जो पहले से जगह एक्वायर करके रखी हैं, अगर ऐसे किसी कंपनी के पास 500 एकड़ 50 एकड़ का प्लॉट है या जगह है तो बहुत अच्छा मौका है उनके पास कि गवर्नमेंट के पास अपना डॉक्यूमेंटेशन या चीज़ें भेजें, उसको इंस्पेक्ट करवाएं और कोशिश करें कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल पाए ताकि उस एरिया का और उस राज्य का और हमारे पूरे इंडिया का ही डेवलपमेंट हो पाए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि सही पॉलिसी है, सही टाइम पे है। अगर आप दिमाग लगा के इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो बहुत सारा बिजनेस और बेनिफिट आपके लिए जनरेट हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।